नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं सबसे पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को ये मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना, क्योंकि हर साल कई कई मृत्यु होती हैं किस कारण से, ऑर्गन फेल्यूअर के कारण। और यदि कोई भी मृत व्यक्ति है वो अपना अंगदान ऐसे व्यक्ति को दे सकता है तो उनको नया जीवन मिल सकता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए WHO इसे मनाता है हर साल 13 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज की पहली न्यूज को। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में ये कमीशन किए गए थे। और अभी जो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं INS विनाश और INS किर्च और INS त्रिशूल की कमान ये संभाल रहे हैं। अब यदि बात करें भारतीय नौसेना की, तो स्थापना इसकी हुई थी सन 1612 में। और नौसेना दिवस जो है मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। PM मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? तो PM मोदी ने अभी ये प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों 15 अगस्त के दिन लॉन्च किए हैं। इसका मतलब है ऑप्शन सी, ए और बी बिल्कुल सही है। अब प्रोजेक्ट लॉयन का क्या है? प्रोजेक्ट लॉयन में जो है एशियाई शेरों के संरक्षण के बारे में है। और यदि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात की जाए तो अवैध शिकार के विरोध में जो गतिविधियां हैं उनका उपयोग करते हुए जो जलीय आवास में है डॉल्फिन का उनका संरक्षण करना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। केंद्रीय रक्षा उत्पाद विभाग ने किस नाम के एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सृजन नाम का एक वेब पोर्टल शुरू किया है। और ये क्या है? एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो कि क्या करेगा, विक्रेताओं को स्वदेशीकरण की वस्तुओं के लिए एक्सेस प्रदान करेगा। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी जो योजना है उनको गति प्रदान करना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आप सभी को ये पता चल गया होगा अभी तक, और ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ये भारत के सबसे सफल कप्तान हैं, और क्योंकि इन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है तीनों प्रकार की जो सबसे बड़ी ट्रॉफीज है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या ICC चैंपियंस ट्रॉफी, इन तीनों को जिताया हुआ है। इनकी कप्तानी में भारत ने इन्हें प्राप्त किया है। इन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ सेना में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है पद प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के तहत जो है प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। और ID कार्ड में जो है व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, वो पहले कैसा था उसकी, उसके बारे में बताया जाएगा। और निदान, इन सभी की जानकारी जो है इस हेल्थ कार्ड में रहेगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। किस विश्वविद्यालय को भारत की सर्वश्रेष्ठ
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जिसका पहले नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया गया कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जो कि स्थित है, वो भारत की सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस सर्वे में इसको 90% स्कोर के साथ ही टॉप पर रहा। वहीं यदि बात की जाए दूसरे की, तो दूसरे स्थान पर रहा राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और तीसरा रहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है अक्सर न्यूज़ में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी अगली न्यूज़ को। भारत ने किस कैरेबियन देश को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो अभी एंटीगुआ और बारबुडा, ये ऐसे देश हैं, इनको क्या किया गया है, 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। और ये सहायता प्रदान की गई है उनको स्वास्थ्य क्षमता और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए। अब स्वास्थ्य, आप सभी जानते हैं कि COVID-19 से निपटने के प्रयासों में बहुत सारी जो है अर्थव्यवस्था को चोट आ रही है, आर्थिक ढांचा जो है कई देशों का चरमरा रहा है। ऐसे में एंटीगुआ और बारबुडा जैसे जो द्वीपीय देश हैं, तो ऐसे कैरिबियाई देशों को भारत जो है समर्थन दे रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस जैसे छोटे देशों को भी भारत ने सहायता प्रदान की है। अब यहाँ बात हो रही है एंटीगुआ और बारबुडा की, तो इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। प्रधानमंत्री यहाँ के गेस्टन ब्राउन हैं। और यदि बात की जाए मुद्रा की, तो ईस्ट कैरिबियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगली न्यूज़ को। इसराइल और किस अरब देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, UAE और इसराइल के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। और इसमें इसमें क्या है, फिलिस्तीन के जो वेस्ट बैंक इलाके में इलाका जो है, वहाँ से अब क्या होगा, इसराइल जो है अपनी दावेदारी छोड़ देगा। और ऐसा ये पहला खाड़ी देश बना है जिसने किसी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसराइल की यदि बात करें, तो राजधानी यहाँ की यरूशलम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। मुद्रा यहाँ की इसराइली न्यू शेकेल है। UAE की वहीं यदि बात करें, तो अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, जहाँ अभी IPL होने वाले हैं। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। और मुद्रा यहाँ की दिरहाम है। इसराइल से जुड़ी यदि हाल ही की खबरें देखें, तो इसराइल ने अभी एरो 2 जो स्पेस सिस्टम है उसी को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग जो है? अभी ये मिला है किसको, ये मिला है गोवा को। और अब GI टैग के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो GI टैग क्या होता है, उत्पादन को, ये किसी एक विशेष जगह पर उत्पादित की जाने वाली किसी वस्तु को दर्शाता है, ठीक है। गोवा, गोवा की यदि बात की जाए, तो उसकी राजधानी पणजी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। किम टोक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है उत्तर कोरिया का नया प्रधानमंत्री। और जो उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता हैं किम जोंग उन, उन्होंने क्या किया है, किम टोक हुन को उत्तर कोरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और उनने क्या किया कि कोरियाई मंत्रिमंडल के प्रमुख जो हैं किम जेंग रेयोंग को पद से हटाकर इनको अब नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब यदि बात की जाए उत्तर कोरिया की, तो राजधानी यहाँ की प्योंग यांग है। तानाशाह यहाँ की किम जोंग उन है। और मुद्रा यहाँ की उत्तर कोरियाई वॉन है। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच की रेखा को कहा जाता है 38th पैरेलल, याद रखना है आपको। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के टेस मिशन ने 66 नए बाह ग्रहों की खोज की है? अब आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, रोस्कोमोस और जाक्सा।
चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और आज के इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।